वृद्ध जन का सम्मान, संवेदनशील सरकार की पहचान। विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में हर योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। संवेदनशील सरकार की विभिन्न पहलों से प्रदेश के हर बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान है। बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन की हर इच्छा पूरी करने के लिए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी तीर्थ दर्शन योजना से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार की पहल से अब बुजुर्ग तीर्थ यात्री ट्रेनों के साथ हवाई जहाज के माध्यम से तीर्थ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के 15,75,000 से ज्यादा वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें हर महीने 600 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसी तरह समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 10,96,000 से ज्यादा बुजुर्ग भी 600 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 79 वृद्धाश्रम संचालित हैं, जिनमें भोजन, कपड़े, नित्य उपयोगी सामग्री, चिकित्सा सुविधाएं एवं मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में हर वृद्ध खुशहाल है और बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्रदेश समृद्धि के पथ पर लगातार अग्रसर है।